हेलो स्टूडेंट, देखिए आज हम आपके लिए एक लाए हैं 10th क्लास का एक प्रीवियस ईयर पेपर है जिसका कोड है बच्चों 824 NO 2020 का क्वेश्चन पेपर है ये। उसका सेक्शन ए है जिसमें फिजिक्स हम समझा रहे हैं शुरू में। तो देखिए इसका पहला क्वेश्चन जो है बच्चों वो है फॉर एन हेल्दी आई द नियर पॉइंट इज। इसका मतलब है किसी एक हेल्दी पर्सन के लिए नियर पॉइंट कहाँ होता है। तो ध्यान रखिए बच्चों कि किसी हेल्दी पर्सन के लिए नियर पॉइंट तो होगा नियर पॉइंट तो होता है बच्चों 25 सेंटीमीटर पे। और अगर क्वेश्चन में ऐसे पूछ लगे कि फार पॉइंट कहाँ है तो बच्चों ध्यान रखना इनफाइनाइट पे कहाँ होता है इनफाइनाइट पे। तो इसमें क्या पूछा गया फॉर एन हेल्दी आई द नियर पॉइंट इज एट 25 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर क्या हुआ बच्चों 25 सेंटीमीटर। तो देखिए अब हम पढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन वेयर एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस टू ऑब्टेन ए रियल एंड सेम साइज इमेज। इसका मतलब है कि कॉन्वेक्स लेंस में कोई ऑब्जेक्ट उसके सामने कहां रखा जाए जिससे कि रियल इमेज बने उसका और सेम साइज का। तो ध्यान रखना जैसे एक कॉन्वेक्स लेंस है हमारा ये इस टाइप का कॉन्वेक्स लेंस है तो इसका फर्स्ट जो प्रिंसिपल फोकस होता है वो F1 और इधर और ये हो गया हमारा 2F1 और इधर होता है बच्चों F2 और ये होता है हमारा 2F2। देखिए अगर हम प्रिंसिपल फर्स्ट फोकस के डबल पर रखेंगे ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे डबल पर तो ध्यान रखना जो इसका इमेज बनता है बच्चों एक तो रेज ऐसे जाएगी और जो पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के वो कहां से होके जाएगी वो जाएगी सेकंड फोकस से होके और जो फोकस से होके जाएगी वो बाद में हो जाएगी बच्चों पैरेलल। तो ध्यान रखना कहां बनता है बच्चों इक्वल साइज का बनेगा ऑब्जेक्ट के इक्वल साइज का और सेकंड फोकस पर कहां बनेगा सेकंड फोकस पर। तो लिखेंगे एट द डिस्टेंस और डबल ऑफ द फोकल लेंथ। तो देखिए यहां तक की फोकल लेंथ एफ है तो कितनी हो गई है यहां से यहां तक की डबल 2F हो गई कितनी हो गई डबल। तो इसका आंसर हो गया बच्चों ये देखिए ये इस टाइप का हो गया तो कहां बनेगा बच्चों एट द डिस्टेंस और डबल ऑफ द फोकल लेंथ तो फोकल लेंथ के दोगुने पर बनेगा। ठीक अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन ये है फर्स्ट का सी ए पीस ऑफ वायर ऑफ रेसिस्टेंस आर इज कट इनटू 5 equal parts दीज पीसेस आर अरेंज इन पैरेलल द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस अरेंजमेंट इज आर डैश द वैल्यू ऑफ आर अपॉन आर डैश कितनी होगी। देखिए बच्चों इसमें यह कहा गया है कि एक वायर का रेजिस्टेंस कितना है आर और इसको 5 बराबर भागों में काट लिया गया है तो उनका रेजिस्टेंस कितना होगा। देखो बच्चों इसको 5 जगह डिवाइड करना है तो आर अपॉन फाइव और R/5 और R/5 R/5 5 equal parts हो गए R/5 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 और R/5। अब इनको सारों को किसमें जोड़ दिया गया बच्चों पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला आप सभी जानते हैं 1 R/1 R/2 R/3 1 R/4 1 R/5 और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो गया बच्चों आर डैश जैसा कि क्वेश्चन में बताया गया तो 1 R/1 R/1 की वैल्यू कितनी है बच्चों R/5 1 R/5 और 1 R/5 और देखिएगा प्लस के 1 R/5 1 R/5 ठीक। तो देखिए थर्ड अपॉन कहा जाएगा ऊपर 1 R/ इसको कैसे लिख सकते हैं बच्चों 5 upon R 5 upon R plus के 5 upon R plus के 5 upon R ठीक प्लस के 5 upon R। तो देखिए इनका एलसीएम क्या आएगा बच्चों 1 upon R/ कितना एलसीएम आ गया R 5 5 5 कितना आया बच्चों 25 ठीक। तो R को हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में इधर पहुंचाए थे कितना होगा R/R' = 25। तो देखिए R/R' की वैल्यू उसने निकलवाई थी तो हमने बता दी कितनी R/R' की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 25
फाइव, तो इसका आंसर हो गया फोर्थ आंसर। क्या हो गया बच्चों? फोर्थ आंसर। इसका सॉल्यूशन इस टाइप से कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है बच्चों, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट। तो ध्यान रखना, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं बच्चों। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा बार आया हुआ है यूपी बोर्ड में खासकर। तो देखिए इसको कैसे समझ सकते हैं हम, ध्यान रखना। इसके दो हैं पहलू। एक तो है बच्चों शॉर्ट सर्किट। क्या है? शॉर्ट सर्किट। कौन सा? शॉर्ट सर्किट है। और दूसरा है हमारा ओपन सर्किट। ओपन सर्किट। तो इसका बच्चों क्या है, ट्रिकी है ये, इसको याद रख सकते हैं कि ओपन सर्किट का मतलब बच्चों जब सर्किट को ओपन कर दिया जाएगा उसमें करंट रहेगा नहीं रहेगा। तो इसमें आई की वैल्यू क्या होती है बच्चों? डिक्रीज। क्या होती है इसमें ओपन सर्किट में? डिक्रीज। अब देखो वी आई इक्वल टू क्या होता, आई इक्वल टू बी अपॉन आर, ओम्स लॉ से हम जानते हैं कि अगर आर की वैल्यू बढ़ाएंगे तो आई घटेगा और आई की वैल्यू घटाएंगे तो आर बढ़ेगा। आई की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो आर क्या होगा बच्चों? ऑटोमेटिक इंक्रीज। क्या होगा? इंक्रीज। ठीक। अब ओपन सर्किट में तो आई डिक्रीज और आर इंक्रीज, जस्ट इसका उल्टा शॉर्ट सर्किट में आ जाओ। देखो याद कैसे रखना, ओपन सर्किट में तो जब सर्किट को ओपन कर दिया जाएगा तो मतलब करंट उसमें ऑटोमेटिक डिक्रीज हो जाएगी, खोल दिया है सर्किट तो आई डिक्रीज और इसका उल्टा आर इंक्रीज ओम्स लॉ से। अब ओपन सर्किट का जस्ट ये उल्टा है शॉर्ट सर्किट, इसमें क्या होता, आई डिक्रीज है मतलब आई क्या होगी बच्चों इसमें? इंक्रीज। क्या होगी? इंक्रीज। और आर इसमें इंक्रीज है तो आर यहां पे क्या होगा? डिक्रीज। क्या होगा? डिक्रीज। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट। तो शॉर्ट सर्किट की कंडीशन में इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू क्या होती है बच्चों? इंक्रीज। तो कौन सा आंसर आएगा इसमें? फर्स्ट ऑप्शन है वेरी लेस, दूसरा है डज नॉट चेंज, तीसरा है वेरी लार्ज और चेंजिंग कंटिन्यूसली। तो कौन सा आ जाएगा बच्चों? वेरी लार्ज, क्योंकि इसमें वेरी लार्ज का मतलब भी यही है कि इंक्रीज होना। ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से ये हुआ हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सेक्शन ए के, मतलब फिजिक्स के। ठीक है, अब देखे चलिए दूसरी वीडियो में हम इसके जो हमारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनको सॉल्व करते हैं। थैंक यू।